भिवंडी स्थित दरगाह रोड मोमिन मस्जिद के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित ओबीसी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रयान अनिस मोमिन के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन ढोल ताशा व आतिशबाजियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष ईश्वर बालबूधे के करकमलों द्वारा रिबन काट कर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष ईश्वर बालबूधे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी के कार्य अध्यक्ष जावेद भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोकण विभाग ओबीसी सेल के प्रभारी राजा भाई, महिला अध्यक्षा स्वाति कामले, सीनियर लीडर जावेद फारूकी, साकिब मोमिन सहित भारी संख्या में दिग्गज मान्यवर व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित ओबीसी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रयान अनिस मोमिन द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। चुका है आप लोग एक बार तो क्या करें
आने वाले 2022 के इलेक्शन में आप लोग राष्ट्रवादी का साथ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भिवंडी के जो है विकास एक नक्शा एक अलग होगा और महानगर पालिका में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2022 में राष्ट्रवादी का झंडा लहराएगा और लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। आज इस देश में चलने वाली सरकार के बारे में दो बातें बोलना चाहता हूँ। आपने कई लोगों से सुना होगा बीजेपी, और मैं आप लोगों को बीजेपी का अर्थ बताते चलूं। बी से भागो, जैसे जल्दी, और पी से पाकिस्तान। क्या बोलते हैं वो? भागो जल्दी पाकिस्तान। और हम उनसे कहते हैं कि हम यही पैदा हुए और यही मर जाएंगे, हम तो पहाड़ों से भी टकरा जाएंगे। शेर इस्लाम के मैदान में जब आ जाएंगे, अरे तुम तो कैसे हो, हम पहाड़ों से भी टकरा जाएंगे। साथियों, आज इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी है, जो नफरत का बीज बोती है। मैं एक शेर के तरह आप तक पहुंचना चाहता हूं कि यकीन करो या ना करो, यकीन करो या ना करो, बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन करो या ना करो, बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है। ये दुनिया की सियासत किसी कमीन की है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय शरदचंद्र जी पवार साहब से महाराष्ट्र के बनने के बाद से लेकर राष्ट्रवादी के बनने तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं था। हमारे आदरणीय नेता शरदचंद्र जी पवार ने हमें मुस्लिम कौम के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया है, तो उनकी शान में क्या आप लोग ताली नहीं बजा सकते? निकलता था, उर्दू मीडियम से पढ़ता था, तो उसको नीट की परीक्षा इंग्लिश में देनी पड़ती है। उस नीट की परीक्षा को हमारे आदरणीय शरदचंद्र जी पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नीट की परीक्षा को उर्दू में दिलाने का काम किया, और मेरा यह विश्वास है, जैसा कि विश्वास हमारे शोएब भाई ने दिया, राष्ट्रवादी में हमारे साथ पिछले 20 सालों से काम करते आ रहे हैं, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने नौजवान साथी को अपने साथ को लेकर हमारे ओबीसी के अध्यक्ष का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भिवंडी के अंदर में हमारे मोमिन भाई को आप लोगों के बीच में रहने के लिए जाता हूँ कि आप शोएब भाई का साथ है, हम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे नौजवान ओबीसी अध्यक्ष अगर कोई पूरे महाराष्ट्र में है तो वो आपका भाई नरेंद्र मोदी है। इतने कम उम्र का शोएब भाई आज तक कोई ओबीसी अध्यक्ष नहीं। इनकी सिफारिश सिपा सालार महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आवाज साहब ने की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोई एक अध्यक्ष अपने अध्यक्ष के पद को छोड़ता है तो वो दूसरे किसी अध्यक्ष की सिफारिश नहीं करता, लेकिन जब पत्र है इस भिवंडी में कि मेरा भाई साकिब जब इस पद से अध्यक्ष के पद से रुख्सत ले रहा था, तब उसने चलते हुए कंधे पर अगर हाथ किसी का तो रह के रखा हुआ भाई है, तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर इस भिवंडी के नगर पालिका में बैठे हम।
छगन भुजबल साहब, हमारे ओबीसीओं को जो आज तक आरक्षण मिलता होगा, जो जो सुविधा मिली फुले शाहू आम्बेडकर के बाद हमारे लोगों को किसी ने सुविधा दिया होगा तो शरद पवार साहब आए और छगन भुजबल साहब ने दिया। लेकिन हमारे ओबीसी को नेताओं को इस तरह से गलत तरीके से उन्होंने अंदर डाला, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी वो उनको मालूम है, लेकिन आज वो सत्य बाहर आए। इसलिए भुजबल साहब हमेशा कहते थे सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। राष्ट्रवादी का चेहरा आपके सामने शोएब गुड्डू के रूप में आप देख रहे हो। इस भिवंडी शहर में शरद पवार ने सब अपने जितने सिपाही है सबको भिवंडी भेजा। परसों जितेंद्र आव्वाड़ साहब आए थे। इस भिवंडी नगर वासियों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, फिर वो पानी की सुविधा हो, उनके आरोग्य की सुविधा हो या लूम वालों के प्रश्न हो, ऐसे अनेक विषय पर पवार साहब ने यहाँ जोर डाला है और आने वाले महानगर पालिका में शोएब गुड्डू के नेतृत्व में ये भिवंडी महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का ही महापौर होगा।